एनजेड पंजाबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हरसिमरन कौर साड़ी इस खास रिपोर्ट में स्वागत करती हूँ। कोरोना वायरस नाल ठीक होने तो बाद भी कई लोग दूसरियां परेशानियां दा सामना कर रहे हैं। किसी नूं छोटे मोटे काम करन तो बाद थकावट हुंदी है अते किसी नूं साह लैण विच समस्या, किसी नूं दिल नाल संबंधित कोई नवा रोग लग गया है अते कईआं नूं कुछ होर परेशानियां देखण अते सुनण नूं मिल रहीआं ने। डॉक्टरां दी मनीए तां कोविड तो बाद भी सांभ संभाल उन्नी ही जरूरी है जिन्नी कोविड दे समय। तुसीं जिन्ना ख्याल कोविड दे समय रख्या बीमारी तो ठीक होने तो बाद कुछ हफ्ते जां कई महीनियां तक उन्नी ही साम संभाल दी जरूरत है, नहीं तो अजिहा ना होवे कि छोटी जिही लापरवाही थोड़े उत्ते भारी पै जाए। इसलिए जानना जरूरी है कि कोविड नाल शरीर के केड़े अंग जा हिस्से ने जो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हुण तक बहुत सारे लोग इस नूं सर्दी जुकाम वाली बीमारी मनते आ रहे हैं। आम लोगों को लगता है कि इसका असर केवल फेफड़िया उपर ही पैंदा है, पर अजिहा नहीं है क्योंकि बीमारी नवी है। इसलिए हौली हौली ही शरीर के दूसरे अंगों उपर इस दे असर बारे पता लग रहा है। हुण इस गल दे सबूत मौजूद ने कि कोविड 19 की बीमारी विच दिल, दिमाग, मांसपेशियां, धमनियां, नाड़ा, खून, अखां वर्गे शरीर के दूसरे अंगा उपर भी असर पैंदा है। यही कारण है कि हार्ट अटैक, डिप्रैशन, थकान, शरीर विच दर्द, ब्लड क्लॉटिंग अते ब्लैक फंगस वर्गियां दिक्कतां दा सामना लोग कर रहे ने। डॉक्टर सलाह दिंदे ने कि ठीक होने तो बाद भी शरीर के दूसरे अंगा विच होने वाले बदलाव नूं तुसीं नज़रअंदाज ना करो अते लोड़ पैण ते डॉक्टर की सलाह जरूर लो। भारत सरकार का मनना है कि कोविड 19 के 90% तो ज़्यादा मरीज घर विच ही रह के ठीक हो जाते हैं। ये वो लोग होंगे ने जिन्हां नूं इलाज वास्ते हस्पताल जाने की लोड़ नहीं पैंदी, पर घर विच रह के ठीक होए अजिहे लोगों लई पोस्ट कोविड केयर बहुत जरूरी है। माहिर सलाह देंदे ने कि जेकर तुसीं खुद नूं सेहतमंद महसूस कर रहे हो तां नैगेटिव रिपोर्ट की जेकर जरूरत ना होवे तां टैस्ट ना कराओ। 14 दिन बाद एकांतवास खत्म कर सकते हो। भारत सरकार ने भी इस बारे नवे दिशा निर्देश जारी किए ने। रिकवरी के दौरान खाण पीण का विशेष ध्यान रखो, प्रोटीन अते हरिया सब्जियां का सेवन ज़्यादा मात्रा विच करो। अजिहा इसलिए जरूरी है क्योंकि बीमारी के दौरान शरीर की प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम घट हो जाता है। नियमित तौर पर योग अते प्राणायाम करो, साह लैण वाली एक्सरसाइजिस करो अते इक्को वेले बहुत सारा काम ना करो। ठीक होने तो कुछ दिन बाद तक यानी 15-30 दिनों तक ऑक्सीजन, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर जरूर ध्यान रखो। गर्म जा कोसा पानी ही पियो, दिन विच 2 बार भाफ जरूर लो। 8-10 घंटे की नींद लैके आराम जरूर करो। 7 दिन बाद डॉक्टर तो फॉलोअप चैकअप जरूर करवाओ। कोविड के माइल्ड मरीज ठीक होने तो 10-15 दिन के बाद काम से वापसी कर सकते हैं। माहिर यह भी दसते हैं कि गंभीर मरीज जो ठीक होकर घर वापस आए हैं उन्होंने कोई एक गाइडलाइन नहीं हो सकती। ये मरीज के इम्यून रिस्पोंस अते केस टू केस बेस उपर देखा जाना चाहिए है। उन्होंने मुताबिक शरीर में पानी की मात्रा सही रखने भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन, चंगा खाना, थकावट वाले काम ना करना, इन्हां गल्लां दा ध्यान गंभीर लक्षण विच ठीक होए मरीजां नूं रखना चाहिए है। माहिरां ने अगे दस्या कि गंभीर लक्षणां वाले मरीजां नूं पूरी तरह ठीक होने विच 3 महीने तक का समा लग सकता है। जो मरीज ज़्यादा दिन हस्पताल विच रह के आउंदे ने उन्हां दी रिकवरी दूजिआं दे मुकाबले थोड़ी हौली हो सकती है, पर अजिहा नहीं है कि इस दौरान उह केवल बिस्तरे उपर ही पए रहन। अजिहे लोगों नूं ठीक होण तों बाद साह दी एक्सरसाइज, प्राणायाम नाल दिन दी शुरुआत करनी चाहीदी है। ये लोग समय ते अपने रूटीन विच नवीआं चीज़ां जोड़ सकते हैं। अजिहे मरीजां नूं साइकोसोशल सपोर्ट ज़्यादा चाहीदी हुंदी है, खास करके बुजुर्गां ते दूसरी बीमारियां नाल जूझ रहे लोगों नूं। घर विच आ के ऑक्सीजन चैक करना, समय सिर सही दवाइयां खाणा, ये छोटियां छोटियां दिक्कतां हुंदियां ने जो मानसिक तौर ते इन्हां नूं काफ़ी परेशान कर सकदियां ने। अजिही सूरत विच परिवार अते आंढ गुआंढ दा सहयोग बहुत जरूरी हुंदा है। लोड़ पैण ते मैंटल हैल्थ काउंसलर दी वी मदद लई जा सकती है। सकारात्मक सोचना बहुत मायने रखदा है। कुछ ठीक होए मरीजां नूं हो सकदा है कि घर विच कुछ दिन होर ऑक्सीजन सपोर्ट ते रहण दी सलाह डॉक्टर ने दित्ती होवे। अजिहे मरीजां दा वी खास ख्याल रखण दी लोड़ हुंदी है। उन्हां नूं हौली हौली डॉक्टर दी सलाह मुताबक ऑक्सीजन उत्ते निर्भर घट करन वल जाना चाहिदा है। विश्व सेहत संगठन वालों भी इस बारे विस्तार विच कोई जानकारी जा गाइडलाइन नहीं जारी की गई। इस साल जनवरी के महीने में जारी एक नोट विच हस्पताल जाके ठीक हुए कोरोना वायरस के मरीजों लई फॉलो चेकअप अते ब्लड थिनर के इस्तेमाल की सलाह दी गई सी। इस तों अलावा कुछ लोग हस्पताल तो वापस आने तो बाद मांसपेशियों विच कमजोरी की शिकायत भी करते हैं। अजिहे मरीजों नूं डॉक्टर चंगी मात्रा विच प्रोटीन वाले खाने की सलाह देंदे ने। कोविड 19 के ठीक हुए कुछ मरीजों विच दवाई दे साइड इफेक्ट कई हफ्तों बाद देखण नूं मिलदे ने। कईआं विच फंगल इन्फेक्शन की शिकायत भी सामने आ रही है। अजिहे मरीजां लई जरूरी है कि ठीक होण तों बाद भी अपने शरीर विच होण वाले बदलाव उपर नज़र रखण।
अजिहे मरीजां नूं हस्पताल विच छुट्टी मिलण दे 15 दिन बाद दोबारा डॉक्टर नाल फॉलोअप चैकअप करना होवेगा। जेकर इस दौरान डॉक्टर कोई टेस्ट कराउण दी सलाह दिंदे ने तां उह जरूर कराया जावे। इस दौरान मास्क पाउणा, वार वार हाथ धोणा ते 2 गज दी दूरी दा ख्याल रखना भी उन्ना ही जरूरी है जिन्ना पहलां दसियां गईआं गल्लां। धन्नवाद।